हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज ढाबा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल से कैसे बनाए हैं मोती चूर के लड्डू। तो इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चना दाल। तो कोई भी कप से आप मेजरमेंट कर लें, मैंने 1 कप लिया है। इस कप से 1 कप चना दाल मैंने भिगो दिया था और करीबन इसको आप 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रखें। कुछ लोग इसको रात तक भिगो के रखते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप चने दाल को रात तक भिगो के रखोगे ना, और मौसम अगर थोड़ा सा गर्म है आप जहां रहते हो, तो मॉर्निंग में थोड़ी सी खटास आ जाती है। आप इसको 4 से 5 घंटे तक ही भिगो कर रखो। तो भीगने के बाद देखिए ये इस तरीके से फूल गई हैं, आप इसको दबा कर देखोगे तो ये आराम से टूट जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आराम से ये टूट जाएगी। तो बस इसको क्या करेंगे, अच्छे से धोकर छान लेंगे। तो मैंने धोकर छान लिया है और इसको मिक्सी में हम पल्स मोड पे रोटेट करेंगे। तो इस चने दाल को मैंने मिक्सी में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे एक और टिप्स मैं देना चाहूंगी कि इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम पीसेंगे पल्स मोड पे। पानी आप बिल्कुल भी ना मिलाएं, और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी पीस नहीं पा रहे हैं, तब 1 या 2 स्पून आप पानी मिला सकते हैं। पहले आप कोशिश करिए पानी ना मिलाएं। तो ये मैंने पल्स मोड पे इसको पीस लिया है। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होनी चाहिए ये। ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, आपको ये दरदरा सा दिख रहा होगा। देखिए टेक्सचर इसका ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और अगर इसमें 2-4 चने के दाल रह भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको छोड़ दें। ये दरदरा होना चाहिए टेक्सचर इसका, तभी जा करके मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। और फ्रेंड्स, पता है आपको, ये मोतीचूर के लड्डू कोई भी बिगिनर्स भी बना सकता है। इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत आप पारंगत हों तभी आप बना पाओगे, कोई बिगिनर्स भी इसको बना सकता है। तो अब इसको एक किसी पतीले में मैं निकाल लेती हूँ। तो इसको मैंने एक छोटे से पतीले में ट्रांसफर कर दिया है। अब आइए चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई जो है वो गैस पे स्लो फ्लेम पे रख दिया है, इनफैक्ट स्लो नहीं, बिल्कुल ही स्लो। और इसमें हम देसी घी डालेंगे। देखिए जो लड्डू होती है ना, वो देसी घी के ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहो तो आप तेल या रिफाइन में बना सकते हो, लेकिन मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो कढ़ाई को थोड़ा तेल को गर्म हो जाने देते हैं, फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें, इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको गर्म होने दें। क्योंकि अगर ये गर्म ज्यादा हो जाएगी तो हमें तलना है, जो हमने चने दाल को पीसा है उसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे हम, और उसको हम तलेंगे। तो ये तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं, मतलब देसी घी, इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं दाल जो पीसा हुआ डाल के देखूंगी। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा गर्म हो चुका है। ध्यान रखिए, बिल्कुल हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे हम, और इसको हम इसमें तलेंगे। ऐसे हम इसको तलेंगे, बिल्कुल तेज आंच नहीं करेंगे, क्योंकि तेज आंच करोगे आप तो क्या होगा ना, ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी, ऊपर से तो जल जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसे छोटी छोटी टिक्कियां आप जैसे चाहो, इसको आप फ्लैट चाहो या छोटे छोटे बरी के साइज में चाहो, जैसे चाहो आप इसको तल लो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा देसी घी जो है इन टिक्कियों के ऊपर आप इस तरीके से डालते जाएं। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है टिक्की में, बस मैंने चने दाल को पल्स मोड पे ग्राइंड किया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पल्स मोड का मतलब होता है, नॉर्मल मिक्सी को आप जैसे रोटेट करते हो ना 1, 2, 3, 4, तो जस्ट उसको रिवर्स डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते हैं उसको हम बोलते हैं पल्स मोड। तो जब तक टिक्कियां हमारी क्रिस्पी हो रही है, आइए हम जो है इसका सिरा तैयार कर लें। उसके लिए मैंने एक भगोना लिया है और मेजरमेंट के अनुसार पानी डालेंगे हम। इस कप से मैंने 1 कप चना दाल लिया था, तो इसका जस्ट हाफ मैं पानी डालूंगी इसके अंदर। हाफ अ कप मैं पानी डालूंगी, मतलब जितना चना दाल, हाफ कप हम पानी दाल डालेंगे, और 1 कप हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। 1 कप मतलब जितना दाल उतनी चीनी। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके, मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखें, लड्डू में मेजरमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो हाफ कप पानी और 1 कप हमने डाला है चीनी, और 1 कप हमारी दाल थी, तो टोटल हो गया 1:1:1.5, राइट। और इसकी कोई तार वार नहीं बनानी है, हम इसको तब तक गैस पे रखेंगे
स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक अच्छी गाढ़ी जो है वो सॉल्यूशन तैयार ना हो जाए। ये देखिए टिक्की हमारी हो रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप तो बस इमेजिन ही कर सकते हो जो देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया। इसको देखो, एक चीज और बता दूं, इसको ना हमें लाल नहीं करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसे ब्राउन करना है, तो इसे ब्राउन नहीं करना, ऐसा कलर चेंज नहीं करना, इसे बस स्लो टू मीड, थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी एक बैच को बनने में 8 मिनट 7 मिनट लग जाए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। और कोशिश करें कि जो कड़ाही में आप तल रहे हो ना वो मोटे तले की हो, जैसे मैंने प्री कास्ट आयरन यूज किया है तलने के लिए, काफी हेवी है हमारी कड़ाही, तो अगर आपके पास कोई हेवी कड़ाही है तो आप उसको यूज कर सकते हो, और अदरवाइज तो कोई इश्यू नहीं है, जो भी मटेरियल है आपके पास आप उसमें इसको तल सकते हो। देखिए ये जो हम चाशनी बना रहे हैं, सिरा जिसको बोलते हैं हम, इसको ना आप चलाते रहो, क्योंकि चीनी अगर नीचे चिपक गई ना, क्योंकि देखो चीनी जो है वो जस्ट डबल ऑफ द वाटर है, तो अगर चीनी नीचे चिपक गई तो मिठाई पूरी खराब हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस मिठाई को यकीन मानिए कोई भी बिगनर्स बना सकता है, बस इसको चलाते रहें। अच्छा देखिए क्या है ना कि जो हलवाई होते हैं वो उनका जो उनकी जो लड्डू होती है ना वो एक थोड़ी सी कलरिश होती है, तो ये टोटली ऑप्शनल है। मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें एक लाइट कलर, थोड़ा सा ऑरेंजिश जो है वो एक कलर डालूंगी, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, और आपको लगता है कि आप ऐसे ही बनाना चाहते हो तो यू कैन गो विद दैट ओनली। ओके, तो मैं इसमें एक पिंच, इस चाशनी में एक पिंच फूड कलर डालने वाली हूँ, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा ना डाले, ये देखिए, इसे ना एक वो जैसे हलवाई की लड्डू नहीं होती, वैसे हलवाई के लड्डू जैसे ना, जैसा ना कलर इसका हो जाएगा, तो बिल्कुल मार्केट के लड्डू को फेल करने वाली ये मोतीचूर की लड्डू बना रही हूं मैं। थोड़ा लेट हो गया इस पोस्ट को डालने में, एक्चुअली मैं दीपावली के लिए ही इस पोस्ट को बना रही थी, लेकिन आज ही दीपावली है और आज मैं इसको बना रही हूँ। आप इसको जो है वो नेक्स्ट फेस्टिवल में बनाएं, या कब जब भी आपका मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाया है, घर में जो भी सामान है। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी इलायची पाउडर नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आइए टिक्की के पास चलते हैं। अब ये देखिए टिक्कियां हमारी बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गई हैं। वाव, बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे आवाज हो रही है ना, ये ठंडी हो जाएगी ना तो और अच्छी आवाज आएगी इसमें से, बस ऐसे ही इस तरीके से हम सारी टिक्कियां निकाल लेंगे और सेकेंड बैच भी मैं ऐसे ही प्रिपेयर कर लूंगी। तो ये जी देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल कोई भी तार वार नहीं है, बस चीनी अच्छे से घुल गई है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, देखो कोई तार वार नहीं है, बस चिपचिपी सी हो जानी चाहिए, और आप इसको गैस को क्लोज कर दो। तो ये देखिए सेकेंड बैच भी हमारा तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी आप निकाल लो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारी टिक्कियां जो हैं वो एक बड़े परात में जो है वो निकाल ली हैं। अब आपको दिखाती हूँ एक चीज, देखिए ये आप सुन सकते हो कितनी क्रिस्पी आवाज आ रही है, देखो देखो, तो बिल्कुल इसी तरीके की आवाज आनी चाहिए और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और तब तक मैं क्या करूंगी, कढ़ाई में जो एक्सेस ऑयल है वो सारा घी मैं निकाल लूंगी, थोड़ा सा घी छोड़ दूंगी आगे के प्रोसेस के लिए। इसको ना आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो ये ना जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया था। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे, और मिक्सी के जार में डालने के बाद वापस से हम इसको पल्स मोड में रोटेट करेंगे। पल्स मोड का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, रुक रुक कर, और इसको दानेदार ही छोड़ेंगे, फाइन नहीं पाउडर करना, इसे दानेदार करके मैं लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैं बिल्कुल पल्स मोड में पीस कर इसको ले आई हूँ, आप देख सकते हो टेक्सचर इसका बिल्कुल दानेदार टेक्सचर है ना। अब आइए चलते हैं कड़ाही की तरफ। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी हमारी घी थी वो मैंने निकाल लिया इसमें से, और आप ये मान लो कि इस चम्मच से एक चम्मच घी छोड़ दिया है, 2 टेबलस्पून आप मान सकते हैं। ये जो मिक्सचर हमारा, इसको हम वापस इसमें डालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखना है, और इसको हम भूनेंगे।
इसको आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि सारे दाने अलग अलग से ना लगने लगे। इस तरह से हम भूनते रहेंगे इसको। और कढ़ाई चूंकि मेरी मोटी तली की है तो आप, मैं थोड़ा सा छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई पतली तली की है तो आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप देखो कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। और ये जब बनकर आएगा ना फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई की जो लड्डू है ना, मोतीचूर के लड्डू, वो भी फेल है इसके सामने। तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुकी है। ध्यान रखें बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भुने इसे। इसका कलर बिल्कुल हमें चेंज नहीं करना। और देखिए बिल्कुल अलग अलग से हो गए हैं, देखो आप बिल्कुल अलग अलग से हो गए हैं। बस इसी समय हम इसमें क्या करेंगे कि हमने जो चाशनी बनाई थी वो चाशनी डाल देंगे। गैस को करेंगे बंद, गैस को बंद कर दें। और गैस को बंद करने के बाद ये चाशनी पूरा आप इसके अंदर डाल दें और इसको बढ़िया से मिक्स कर दें। गैस बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि अगर आप गैस को ऑन रखोगे ना तो ये बहुत टाइट सी हो जाएगी। बस इसको आप मिक्स कर दें, अच्छा सा मिक्स दे दें। और मिक्स देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ढक देंगे। करीबन आप इसको 10 मिनट तक ढक के रखें। 10 मिनट के बाद फिर मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और जो हमारी बूंदी थी ना वो जस्ट डबल हो गई है फैल करके, आप देखो। और बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब एकदम जूसी सी, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जूसी सी, बिल्कुल रसीले जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल जूसी सी हो गई है ये। ये देखो आप, बस अब इसके लड्डू बनाएंगे हम। तो मैं आपको लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। बस आप इस तरीके से लें हाथ में, ये थोड़ा गर्म है, तो आप जिस साइज के लड्डू आप चाहते हो आप उस साइज के, इस तरीके से हम बनाएंगे लड्डू को। ये रख लिया प्लेट में, एक और बना के दिखाती हूँ। लड्डू को पहले ऐसे लेंगे हम, उसके बाद इस तरीके से हल्के हाथों से ऐसे आप करो, और उसके इस तरीके से आप इसको यूं कर दो। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डू बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। और 1 कप चने की दाल से इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25 मैंने तो काउंट नहीं किया है। और ये स्पेशल लड्डू आज दीपावली के दिन मैं बना रही हूँ, और इसको आप भाई दूज के दिन बना के जरूर अपने भाई को खिलाएं। तो देखिए थाल तैयार कर रही हूँ मैं भाई दूज का, इसमें लड्डू को हम इस तरीके से रखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया थाल तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये देखो आप, आपके भाई भी खुश हो जाएंगे बिल्कुल। घर के देसी घी के लड्डू से आप टीका करो भाई का, और टीका करने के लिए हम तो जो है वो जी जलाएंगे दिया। ये देखिए दिया, देखिए कितने जूसी लड्डू बने हैं, ये मैं आपको तोड़कर दिखा, देखो आप कितने जूसी हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और एकदम जूसी से लड्डू बनके तैयार हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ममाज़ ढाबा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।